करो, करोना फिर से आ गया तो अब ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं रिवीजन, इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, पूरा रिवीजन करेंगे, ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, लेकिन अगर रह जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ क्या किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम रिवीजन करने जा रहे हैं, मतलब हम आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम बस ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो इसमें मैंने डिसाइड किया है कि हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है आपके लिए जो एनेक टर्म पर बेस, एनेक टर्म मतलब ए किसी भी एलपी का कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाले फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिवाइड किए हैं कुछ पांच पार्ट्स में, जैसे टू चेक द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट, कोई सीक्वेंस दिया है हमें चेक करना है क्या वो एपी है या नहीं है, ठीक है। दूसरा है टू फाइंड आउट द एनेक टर्म ऑफ गिवन टर्म, किसी भी एपी का एनेक टर्म फाइंड आउट करना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि कुछ टू फाइंड आउट द एपी और एनी टर्म ऑफ एपी व्हेन टू टर्म्स ऑफ गिवन ऑफ एन एपी इज गिवन, ओके, टू चेक द वेदर द गिवन नंबर इज द टर्म ऑफ गिवन एपी। नेक्स्ट है कि किसी भी एपी में कोई टर्म दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है और एपी दिया हुआ है, तो क्या वो टर्म उस एपी में आएगा या नहीं आएगा। और लास्ट है कि टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन एपी, किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अगर वो फाइनाइट एपी है तो। फाइनाइट एपी का मतलब होता है फर्स्ट टर्म भी दिया हो और लास्ट टर्म भी दिया हो, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द एन टर्म्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, और फर्स्ट टाइप जो है ना टू चेक द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट, मतलब पहला जो टाइप है वो है कि किसी गिवन एपी को चेक करना, कि कोई गिवन सीक्वेंस है हमें चेक करना है क्या वो एपी है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एपी में क्या चीज होती है। एपी क्या होता है, मान लो हमारे पास में कोई एक टर्म है फाइव, ठीक है, और इस नंबर में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं, सपोज हमने 3 ऐड किया, 8 आया, फिर 3 ऐड किया, 11 आया, फिर 3 ऐड किया तो कितना आया 14 एंड सो ऑन। तो यहां देख रहे हैं आपकी हर टर्म में एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, डी होता है आपका ए टू माइनस ए वन से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ए टू मतलब सेकेंड टर्म, ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, ओके। या आप फाइंड आउट कर सकते हो ए थ्री माइनस ए टू, मतलब हर टर्म के में से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये डी कॉमन है यहां पर भी और यहां पर भी, तो वो सीक्वेंस एपी होता है। जैसे यहां पर देखिए, इसमें सेकेंड टर्म आपका ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो आप देख रहे हैं एट माइनस फाइव कितना आया थ्री, और फिर 11 माइनस 8 करेंगे तो भी आपको मिलेगा 3। इसका मतलब ये एक एपी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अभी यहां पर, हम लोग कुछ पांच क्वेश्चंस अलग अलग टाइप पे डिसाइड वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे आपसे। तो पहला क्वेश्चन है कि चेक करो कि ये 16, 9, 2, -5 ये क्या एपी है या नहीं है, हमें चेक करना है क्या ये एपी है या ये एपी नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसा मैंने बताया इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, आप चेक करिए डी इज इक्वल टू, आप देखिए 9 - 16 दैट इज -7, फिर उसके बाद देखिए आप 2 में से 7 को माइनस करेंगे, 2 - 9 इज इक्वल टू -7। तो यहां पर आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, यहां से भी चेक कर सकते हैं -5 - 2 दैट इज ऑल्सो -7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एपी है, देयरफॉर 16, 9, 2, -5 एंड सो ऑन इज एन एपी, ये हो गया आपका चेक, ठीक है, समझ में आया आपको। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अभी देखते हैं
यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन दिया है 6 15 एंड 22 27 31 एंड सो ऑन। अब आप यहां पर देखिए यहां पर क्या d कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म तो 16 है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं और इनफाइनाइट एपी है ये पूरा, इसमें पता नहीं है हमको कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई, अब आप जरा ट्राई करके देखिए इसको क्या ये एपी है। दो मिनट दे रहा हूं, चेक करिए जल्दी से। हो गया, चलिए देखिए d इज इक्वल टू ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहां पे कितना आया 9। अब ये 22, नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट किया 22 माइनस 15 दिस इज 7, तो ये इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि कोई गिवन सीक्वेंस एपी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। यहां पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है ए 2a प्लस 1 एंड 3a प्लस 2 एंड 4a प्लस 3, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म 2a प्लस 1 है, थर्ड टर्म 3a प्लस 2 है, फोर्थ टर्म 4a प्लस 3 है। तो देखिए यहां पे d फाइंड आउट करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 2a प्लस 1 माइनस a, तो 2a में से a माइनस 1 तो आया a प्लस 1, ओके। अब दूसरा यहां से फाइंड आउट करते हैं, ये हो गया आपका 3a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 1, ब्रैकेट में लिखिए पहले, अदरवाइज आप सब्ट्रैक्ट करने में गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 2 माइनस 2a माइनस 1। अब देखिए 2a में से 3a में से 2a माइनस 1 तो बचा a, और 2 में से 1 माइनस 1 तो प्लस 1। सो देखिए यहां पर भी d वही है और यहां पर भी d वही है, इट मींस इट इज एन ap। अब यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और शक हो तो और चेक कर सकते हैं आगे, इसमें से इसको माइनस करके देख सकते हैं, तो क्या है ये एक एपी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का है ये क्वेश्चन और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आल्सो। फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी सच दैट यहां पर ए 7 बी 23 सी आर इन ए बी आर इन ए बी। अब यहां पर ये कंफर्म है कि ये टर्म्स ए बी में है, क्या है? कंफर्म, ये टर्म्स क्या है? ए बी में, मतलब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर इसका जो सेकंड टर्म है, एक चीज याद रखो बच्चों, किसी भी एपी को फाइंड आउट करने के लिए दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, पहली चीज होती है उसका फर्स्ट टर्म और सेकंड चीज होती है उसका कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप उस एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर 7 क्या है? सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये a जो है a2 है, a2 is equal to 7 and ये देखिए a3 a4 a4 क्या है? a4 है 23, ठीक है। इन दोनों से हम a और d फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर a plus d is equal to 7 है और यहां a plus 3d जो है 23 है। अब ये देखिए एक इक्वेशन यहां से मिला, एक इक्वेशन यहां से मिला, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, अगर हमको दो वेरिएबल चाहिए तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आप देखिए यहां इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 23 में से a प्लस d को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो आप देखें माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3d में से 1d गया तो कितना बचा 2d
is equal to 23 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 16 ओके 16 ही आएगा ना तो D is equal to कितना हुआ 8 बस A आपको पता नहीं है D आपका 7 है मतलब कौन से टर्म में अब यहां से A फाइंड आउट कर सकते हैं आप मतलब A plus D is equal to 7 है और D आपका क्या है A A is plus 8 is equal to 7 तो A is equal to हो गया minus 1 आपका A की वैल्यू और एक अब आपको देखिए इसमें D क्या है plus 8 है मतलब 8 add करना है तो 8 add करेंगे तो यहां पर क्या आएगा B is equal to आ जाएगा 15 अब 15 में add करोगे तो 23 आ जाएगा 8 और 23 में 8 add करोगे 8 So C is equal to आपका आ जाएगा 23 में आ रहा तो जल्दी से 31 So ये हो गया आपका आंसर A B C ठीक है तो इतनी बात समझ में आई आपको स्टूडेंट नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP AP का कोई भी टर्म कोई गिवन AP है उसका कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अपन अगर हमको दो चीजें पता हो A पता हो और D पता हो मतलब अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये चीजें अगर आपको पता है तो उस एपी का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए फाइंड द क्वेश्चन है वन यहां पर फाइंड द 37th टर्म ऑफ 6, 7, 3 by 4, 9, 1 by 2, 11, 1 by 4 and so on ये एपीडी है और इसका आपका 37th टर्म पूछ रहा है तो हमें क्या पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए इसका फर्स्ट टर्म तो पता है ये लिखा अब क्या पता करना है डी पता करना है डी कितना है तो डी फाइंड आउट करने के लिए कॉमन डिफरेंस ये देखिए 7, 4, 20, 31 upon 4 minus first term, second term minus first term की ये तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 31 minus 24 upon 6 so ये हो गया sorry 4 तो ये हो गया आपका 7 and ये minus sorry 7 upon 4 तो ये D आ गया आपका अब आपको nth टर्म मतलब A37 का मतलब होता है A plus 36 अगर कोई भी टर्म निकालना तो n minus 1 करते हैं ना फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into D तो n minus 1 में क्या हो जाएगा n is equal to 37 है यहाँ आप कंपेयर कीजिए an is equal to होता है a plus n minus 1 into D तो n is equal to अगर हम यहाँ 37 लिखेंगे तो यहाँ पे 37 minus 1 36 आएगा ठीक है तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म तो A आपको पता है 6 है प्लस 36 इंटू 7 अपॉन 4 तो ये आप कैंसिल करेंगे 4 से 9 आएगा तो ये होगा 6 प्लस 9 7 जा 63 तो ये आंसर आया 69 ओके सो दिस इज योर 37th टर्म ऑफ दिस AP नाउ सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ये बहुत आसान है A और D फाइंड आउट करना आपका एक एम है इसमें ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा किसी भी टर्म का एपी का फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द 42nd टर्म ऑफ एपी फाइंड द 42nd टर्म ऑफ एन एपी एक एपी है इसकी गिवन है 16, 9, 2, -5 and so on and इसमें ये कहा गया है also find its nth term nth term का मतलब कोई general term आपका इसमें find out करना है general term find out करना है तो देखिए इसमें भी क्या है AP given है अगर AP given है A और D find out करने में क्या problem है तो फटाफट A और D find out कर लीजिए इसमें देखिए ये decreasing AP है पहले 16 है फिर 9 है फिर और छोटा हो गया 2 फिर -5 और छोटा हो गया मतलब इसके जो टर्म्स हैं वो धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं मतलब ये डिक्रीजिंग है
ओके नाउ अब देखिए इसमें हमको ए क्या मिला, ए मिला 16, ओके और डी फाइंड आउट करेंगे तो डी फाइंड आउट 9 माइनस 16 दैट इज -7, ठीक है 9 and 6 जो होता है ना 9 और 7 16 होता है, इसलिए इसका ये हो गया -7, यहां से भी करेंगे तो -7 आएगा, यहां से भी करेंगे तो -5 -2 -7 आएगा, सो कंफर्म है डी हो गया आपका, ए हो गया। अब आपको 42 टर्म फाइंड आउट करना है, तो 42 टर्म क्या होगा, ए प्लस 41d, सो ए प्लस 41d। अब ए और डी वैल्यू 16 प्लस 41 into -7, ठीक है, सो 287 for 16 minus 287। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीजें, एक ए और एक डी, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलते और क्वेश्चन करते हैं इस पे, थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और क्वेश्चंस करने के लिए मैं यहां पर तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे, मेरा चश्मा कहां है, ये रहा। और अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द 18th टर्म फ्रॉम द एन, ओ 18th टर्म फ्रॉम द एन और एपी गिवन, तो एन का मतलब ये हुआ कि आप अगर एपी के पीछे से 18वां टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये हुआ फाइंड द 18th टर्म फ्रॉम द एन, और एपी क्या गिवन है 7, 10, 13 and so on, और लास्ट टर्म गिवन है। तो अब ये अच्छे से याद रखिए कि अगर आपको किसी भी एपी का एंड से कुछ टर्म एनएक टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब 18 टर्म हो या 42 टर्म हो या 37 टर्म हो, कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है एंड से, तो ये एपी जो मस्ट बी फाइनाइट एपी, यहां पर देखिए फाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म दिया है मतलब फाइनाइट एपी है, ठीक है। तो फाइनाइट एपी ये हम ले लेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 3 7 प्लस 3 10 10 प्लस 3 13, तो वहां से हम डी को क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे डी का, तो ये देखिए ये हो गया आपका लास्ट टर्म 184 दिया हुआ है, तो 18th टर्म फ्रॉम एंड, तो फॉर्मूला वही लगाना है लेकिन ए की जगह पे लास्ट टर्म को लिखना है और एन माइनस वन इंटू यहां पर माइनस डी कर देना है। फर्स्ट टर्म ये देखिए, मैं आपको 18th टर्म, ये एनएक टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा अगर हम ए लिख देंगे यहां पर, ए एन फ्रॉम द, यहां पे हो गया एनएक टर्म फ्रॉम द एन, ये फॉर्मूला हो गया, यहां पर ए की जगह पर लिखेंगे लास्ट टर्म एन या ए एन, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 18th टर्म की जगह एन की जगह क्या लिखेंगे, 18th टर्म फ्रॉम द एन, एंड ये हो गया लास्ट टर्म 184 प्लस कितना आएगा 18 है, तो यहां पे आएगा 17 इंटू, अब डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे लिखेंगे -3, ठीक है। तो ये हो गया 184 और माइनस ये 17 3 का कितना होता 51, बस अब आपको सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड से, आपका 18th टर्म इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां से माइनस करेंगे 4 में से 1 गया 3 और यह 3 और यह आया 1, सो आंसर आ गया आपका 133, मतलब पीछे से जो 18वां टर्म होगा 18वें सीट पर बैठा हुआ नंबर दैट इज 133, पीछे से काउंट करेंगे तो एपी को एज अ चेन समझिए आप, एक चेन एक कड़ी फिर दूसरी उसका तीसरा चौथा फिर ऐसे करके ऐसे समझ सकते हैं। तो नंबर 18th टर्म मतलब जो प्लेस है ऑक्यूपाइड बाय 133, ठीक है। तो समझ में आया ये आपको, वेरी गुड, ओके नाउ अब देखिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पूरा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कोशिश कर रहे हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप लेके एक और क्वेश्चन है,
विच टर्म ऑफ ए पी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब ये एपी, ये जो एपी अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लास्ट टर्म होगा, मतलब ये जो एपी होगी इसके सारे टर्म्स डिक्रीजिंग होंगे आगे प्रोग्रेसिंग, मतलब प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी गिवन है 41, 38 रो काम हो गया, 35 एंड सो ऑन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना होगा, नेगेटिव टर्म कब आएगा, जब जीरो के बाद, है ना, जीरो के बाद नेगेटिव टर्म शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम फाइंड आउट करें कि इसमें जीरो है, हो या ना हो, लेकिन आपका एनिट टर्म आ जाएगा, जो भी टर्म आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपके पता लग जाएगा आपको, अगर आप इसमें जीरो फाइंड आउट करेंगे। मान लेंगे इसका जो एनिट टर्म है वो जीरो है, अब इसमें अगर जीरो नहीं होगा तो नेचुरल नंबर जो एन की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर नहीं होगी, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब है कि जीरो इस टर्म में नहीं आता, और अगर जीरो है तो एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो जीरो आएगा, ठीक है। दो चीजें याद रखिए, तो एन टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए है आपका 41 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, देखिए इसमें डी कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 38 में से 41 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये देखिए, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 41 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 को वहां ले जाएंगे तो हमको ये मिलेगा 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 41। अब देखिए हो गया गड़बड़, एन माइनस वन इज इक्वल टू आया 41 अपॉन 3 जो कि डिविजिबल नहीं है, मतलब एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आती, फिर भी हम इसे फाइंड आउट करेंगे, एन इज इक्वल टू 41 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये 3 वहां मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ 3 बटा 3 और 41 प्लस 3 44 अपॉन 3, जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, 44 को 3 से डिवाइड कीजिए आप, मतलब जीरो तो इस एपी में नहीं है लेकिन हमें नेगेटिव टर्म पता लग जा रहा है, ठीक है। इसका अगला टर्म निकालना होगा, तो ये 44 को 3 वन जा 3, ठीक है, 1 4 और 3 4 जा 12, ठीक है, तो यहां बचा आपका 2, तो आप डिवाइड नहीं हो पाएगा 14, मतलब ये लगभग 14 टर्म होगा जो एकदम जीरो के नियर अबाउट होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका मतलब देयरफॉर इसका जो 15th टर्म होगा, 15th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका जो 15वां टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब जीरो इसमें नहीं है नेचुरल, क्योंकि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है तो जीरो तो इसमें नहीं है, लेकिन नियर अबाउट, जीरो के नियर अबाउट कोई नंबर होगा, ठीक है। ये जो 14 प्लेस पे जो नंबर होगा वो लास्ट पॉजिटिव नंबर होगा, उसके बाद माइनस 3 करेंगे तो जीरो, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो 15th टर्म जो उसका अगला टर्म होगा, 15th टर्म will be first negative term, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, अब और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एनिट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर देखिए इसको मिटाने में बहुत ज्यादा, ठीक है, टाइम वेस्ट है, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स, ये ऐसा क्यों लिखा, टर्म या टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, इस एपी का, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 12, 19 एंड लास्ट टर्म दिया है 355, और सेकंड है
4, 9, 14, 19 and 299. मिडिल टर्म फाइंड आउट करना वैसा ही है जैसे किसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मिड पॉइंट अगर हम फाइंड आउट किसी लाइन का तो कर नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट एपी का तो मिडिल टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब एपी मस्ट बी फाइनाइट। अब देखिए दोनों में फाइनाइट एपी दिया हुआ है क्योंकि हम मिडिल टर्म मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं लाइन सेगमेंट का, जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स पता होते हैं। इसी तरीके से इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स पता है तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिड। अब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। तो ये पता होना चाहिए हमको, ये पता होना चाहिए कि ये इसमें कितने टर्म है। आगे ना एन टर्म पर वापस, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मान लेंगे इसमें एन टर्म्स हैं, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो उसमें ए आपको पता है और डी भी पता है, सेवन है इसमें, देखिए 5 + 7 = 12, 12 + 7 = 19 एंड सो ऑन। ए और डी पता है, हम मान लेंगे कि ये 350th टर्म जो है वो एन टर्म है, तो 5 + n - 1 × 7, ये देखिए मतलब मैंने फॉर्मूला यूज किया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये एन टर्म आने, अब ये सब्ट्रैक्ट करो पहले, तो ये कितना आएगा 350 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 50, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 51। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 51। अब मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए कैसे करें, 50 का आधा करो, 25 इधर 25 इधर, मतलब 25 + 26 और फिर 25 इधर, इसका मतलब इसका जो 26th टर्म होगा, 26th टर्म विल बी इट्स मिडिल टर्म, ये हमको पता चल गया, ठीक है। 26th टर्म, अब बस 26th टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या वो यहां पर देखिए ऑड है, यहां पर जो n की वैल्यू है वो ऑड है, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो फाइनाइट एपी है ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बनी हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। अब 20 ये ऑड है, इसका मतलब इसमें एक मिडिल टर्म होगा, और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मतलब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन होंगे, तो इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है। तो यहां पर 26 टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, 26 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 25 डी, ठीक है, ए कितना है 5 प्लस 25 × 7, तो 25 × 7 कितना हो 175, तो ये आंसर आ गया 180। ये देखिए 175 प्लस 5 180, तो 180 इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो इसमें दो, इसीलिए यहां पे टर्म और टर्म्स लिखा हुआ था, तो दो मिडिल टर्म कब होंगे, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे किसी एपी, किसी फाइनाइट एपी में जिसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है। तो यहां पर मान लेंगे कि इसमें एन टर्म्स हैं, अब हमको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला ट्राई करना है, ये हो गया 299, ए हो गया 4 + n - 1 × 5, यहां पे डी देखिए 5 है, 4 + 5 = 9, 9 + 4 = 14, 14 + 5 = 19 एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे पहला काम होगा ये आप यहां लाके माइनस करेंगे, कितना आएगा 295 = 5 × n - 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 295/5 = n - 1, जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए फटाफट, 5 × 5 = 25, ठीक है, 4 बचा 9, 59 n - 1, therefore n = 60, देखिए इवन
तो देयर आर टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स होंगे इसमें, कौन सा होगा? एक तो हो जाएगा 30th और एक हो जाएगा 31. 31 मतलब 60 का आधा जो 30 और 30, मतलब अगर मिडिल टर्म ढूंढना है तो 30 इधर 30 इधर, तो लास्ट वाला 30th टर्म और इधर वाला 31st टर्म, तो इसके दो मिडिल टर्म होंगे, 30th टर्म ए 30 एंड ए 31 फाइंड आउट करना है. कैलकुलेशन केवल यहां पर करनी पड़ेगी आपको, यहां तो सीधे सीधे डी ऐड कर देने से आ जाएगा. सो ए 30 क्या होगा, ए प्लस 29 डी, तो ए प्लस 29 डी करने के लिए ए कितना है आपका 4 प्लस 29 इंटू 5, ठीक है. तो 29 इंटू 5 कितना हुआ, 145, ठीक है. और ये हो गया 4 प्लस 145 दैट इज 149, और इसमें आप 5 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 131 जो आएगा नेक्स्ट मिडिल टर्म 154. सो ये दो मिडिल टर्म होंगे आपके इस वाले एक. सो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे किसी एपी में, और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कौन सा इसका मिडिल टर्म होगा. चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको, और थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए एपी का थोड़े और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करते हैं. चलिए ये थोड़ा सा गंदा हो गया, ये इसको थोड़ा ऐसे साफ कर देते हैं फटाफट. जब ये मेरा पेज गिर गया, ये आके कहा है, ये रही. Find the ratio of 10th term from the beginning and the 20th term from the end of AP. Find the ratio of 10th term from the beginning and 20th term from the end or a of AP. अब ये कंफर्म है कि AP गिवन है 3, 5, 8, 5, 13 and so on 253. अब देखिए इसमें लास्ट टर्म की बात हो रही है, from the beginning 10th term और from the end 20th term, ठीक है. तो उनका रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है. तो फ्रॉम द बिगिनिंग तो बहुत आसान है, तो ए 10 फाइंड आउट करना है, मतलब ए प्लस 9 डी. अब ए कितना है इसका 3 है, प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है 5 इंटू 5, मतलब ये हुआ 3 प्लस 45, मतलब ये हो गया आपका 48. अब 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन इज इक्वल टू 19 हो जाएगा और एल कितना है 253 माइनस 9 इंटू डी 5. माइनस साइन यहां आ गया क्योंकि इसका साइन मैंने चेंज कर दिया है और उस पर अप्लाई कर दिया. आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस डी, तो यहां पर प्लस करके यहां माइनस कीजिए. बात एक ही है 253 माइनस 45. अब 45 माइनस करेंगे 13 में से 5 किया कितना बचा, 13 में से 5 किया 8, 4 में से 4 किया 0 और यहां बचा 2. सो 208 आ गया. तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया आपका 48 अपॉन 208. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका रेशियो वाला आंसर हो जाएगा. समझ में आया? तो ये हो गए क्वेश्चंस टू फाइंड द एनएट टर्म ऑफ एपी, एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के ऊपर बेस्ड. इतने टाइप के क्वेश्चंस आप अगर कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा वो आप कर पाएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें है टू फाइंड द एपी और एनी टर्म ऑफ एपी, किसी एपी एपी फाइंड आउट करना है या कोई टर्म एपी का फाइंड आउट करना है व्हेन टू टर्म्स ऑफ दैट एपी आर गिवन.
अगर किसी एपी के दो टर्म्स दिए हुए हैं तो उस एपी को फाइंड आउट करो, या उस एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में भी हैं, ठीक है। लेकिन दो टर्म से क्यों, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि दो ही टर्म्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें दो, मैंने आपसे बताया कि अगर किसी एपी का पूरा पोस्टमार्टम करना है, सब कुछ फाइंड आउट करना है उसके बारे में, एनीथिंग, तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक ए और एक डी। तो दो चीजें होती है ए और डी, तो दो वेरिएबल हो गए ए और डी, तो दो वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है, ठीक है, तभी हम दो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एपी को, एपी के दो टर्म्स को फाइंड आउट, मतलब दो वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए इसमें दो चीजें, दो कंडीशन दी जाती है। तो जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एट्थ टर्म, एक क्वेश्चन लेते हैं, एट्थ टर्म ऑफ एपी 37 है एंड इट्स ट्वेल्थ टर्म इज, ट्वेल्थ टर्म दिया हुआ है 57, फाइंड एपी, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा सोचिए, बहुत आसान है, ए और डी फाइंड आउट करना है। मान लेंगे इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बी है, ठीक है। तो ये ए एट क्या होता है, ए एट का मतलब होता है ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 37, और ए ट्वेल्व क्या होता है, ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 57। समझ में आया, अगर 8 है तो 7D और 12 है तो 11D, ये होना चाहिए, ठीक है। एज पर द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक मिनट जरा देखता हूं, कैमरा ठीक चल रहा है, सही है कैमरा ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा सबसे पहले इसमें से डी आ जाएगा, ये देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ए बी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 57 एंड ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू 37। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां बचा आपका 4D, 11D माइनस 7D इज इक्वल टू 4D, और यहां पर देखिए आपको 20 मिला, 57 माइनस 37 इज इक्वल टू 20, सो यहां से हमको मिला D इज इक्वल टू 5। ये 4 यहां डिवाइड होगा, डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि यहां 4 मल्टीप्लीकेशन है, इधर भी आगे तो डिवाइड की गलतियां करते हैं बच्चे, यहां ले जाकर माइनस कर दीजिए 16, वापस खत्म। अब D इज इक्वल टू 5 आ गया, अब A फाइंड आउट करना है तो इसमें रखो या इसमें रख दो, A मिल जाएगा, तो A इज इक्वल टू A प्लस 7D इज इक्वल टू 37, मैंने इसमें लिया, इस क्वेश्चन की इस D की वैल्यू को यहां रखेंगे, तो A प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 37। यहां से गाड़ियां बहुत पास होती है यार, आवाज बहुत आती है, क्या करें, A इज इक्वल टू, ये 35 हो गया, वहां जाके माइनस हुआ, तो A इज इक्वल टू आ गया 2। सो A और D पता लग गया, अब बस आपको AP फाइंड आउट करनी है, तो AP में फर्स्ट टर्म लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 5, जोड़ दीजिए 7, फिर 5 जोड़िए कितना आया 12, फिर 5 जोड़िए कितना आया 17 एंड सो ऑन, ये हो गई आपकी AP, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। तो दो टर्म ए और डी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अब और देखते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें और थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, थोड़ा सा घुमाया गया, ठीक है। तो ये है, फाइन इफ एट टर्म ऑफ एपी इज 31, एक एपी है, ये क्वेश्चन टू देखा, एट टर्म उसका है 31 एंड 15th टर्म जो है 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, मतलब 15th टर्म जो है वो इसके 11th टर्म से 16 ज्यादा है, A15 इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि 15th टर्म माइनस 11th टर्म करेंगे तो 16 आना चाहिए, पहले तो यहां से a प्लस 7d इज इक्वल टू 31, ये एक कंडीशन हमको मिले। दूसरी कंडीशन यहां से मिलेगी a प्लस 14d इज इक्वल टू a प्लस 10d प्लस 16,
ए प्लस 15 था तो 14 डी, और ए 11 था तो ए प्लस 10 डी। अब ये ए यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधे सीधे डी आ गया यार यहां से, तो ए तो कट गया, मतलब ये यहां पे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 14 माइनस 10 मतलब 4 डी इज इक्वल टू 16 है, तो डी इज इक्वल टू कितना आया 4। फिर डिवाइड करेंगे, क्यों 4 यहां मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। तो अब यहां वैल्यू रखो ए प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, 7 4 था 28, so a plus 28 is equal to 31, so a is equal to 31 minus 28, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करिए जल्दी से, तो 3 आएगा। अब a और d दोनों मिल गया है, तो आप उस ab को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फटाफट और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा सीखेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, एपी 52 है और टेंथ टर्म उसका 46 है, मतलब सम ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 52 एंड द टेंथ टर्म मतलब ए 10 is equal to दिया है 46. Find its 52th term, मतलब A 52 find out करना है, A 52 find out करना है, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, एक बार कोशिश कीजिए फटाफट, जरा दो मिनट टाइम दे रहा हूं आपको, वीडियो रोक करके प्रैक्टिस थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए हो गया, हो गया, वीडियो रोक के किया था ना, हो गया होगा, नहीं हुआ, चलिए अच्छा जी, ए 5 मतलब ए प्लस 4 डी, ए 7 मतलब ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू 52 और यहां से ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 46, सो ये हो गया 2a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 52 मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 26, ये देखिए, ओके ये देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाला वही फॉर्म a x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, a x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड हो गया, a का कोएफिशिएंट 1 है यहां पर b का कोएफिशिएंट 1 है, सो ना a प्लस 9d इज इक्वल टू 46 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 26, सब्ट्रैक्शन माइनस 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 ये गया, हो गया 9 में से 5 गया, 4d इज इक्वल टू कितना आया यहां पे 20, सो d इज इक्वल टू 5, अब d की वैल्यू 5 आ गई है तो इसको यहां रखेंगे, तो कितना आएगा a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 26, मतलब a प्लस 25 इज इक्वल टू 26, इसको यहां लेके सब्ट्रैक्ट कीजिए, a इज इक्वल टू 1, आपका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दोनों आ गया, नाउ यू कैन डू द पोस्टमार्टम, आप 52 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, a 52 इज इक्वल टू a प्लस 51d, so a कितना है 1 और 51 into d कितना है 5, ठीक है, तो कितना आ गया 255 plus 1 256, this is your 52nd term of this AP, अब AP भी find out कर सकते हैं, पहले हम a लिखिए, फिर उसमें 5 जोड़िए 6 आएगा, फिर उसमें जोड़िए 5, ऐसे 5 जोड़ते जोड़ते आप उस AP को dot 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 करके लिख दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन, और कोई टर्म आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिया, ओके नाउ फटाफट और क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चंस करने हैं, देखिए अब जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 30,
एंड देयर प्रोडक्ट इज 910। तो देखिए इसमें क्या होता है, कभी भी किसी एपी के तीन टर्म्स, मिनिमम तीन टर्म्स चाहिए होते हैं एपी को फाइंड आउट करने के, मतलब एपी को डिस्क्राइब करने के लिए। दो टर्म्स में तो बता नहीं सकते कि एपी है या नहीं है, तो तीन टर्म्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो वो तीन टर्म्स आप क्या सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी में तीन टर्म्स हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे हम लोग। ये देखिए हमेशा एपी में होगा, ये इसमें डी ऐड करोगे तो ए आएगा, इसमें डी ऐड करोगे तो ए प्लस डी आएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात करो। तो तीन टर्म्स अगर किसी एपी में आपको चूज करने हो, तीन टर्म्स किसी एपी में चूज करने हो, तो हमेशा a माइनस डी, ए और a प्लस डी लीजिएगा। चार टर्म्स का भी हो सकता है, पांच टर्म्स का भी हो, छह टर्म्स का भी हो सकता है, तो वो आपको आगे पूछे जाएगा। अभी तो टेंथ में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, तीन टर्म्स तक मान सकता हूं। तो आपसे कहा जा रहा है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इनका सम जो है वो 30। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। एंड देयर प्रोडक्ट, आप देखिए प्रोडक्ट जो है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 910। ये दो कंडीशंस दी गई। अब यहां पर जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये d और ये d सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आएगा 3a इज इक्वल टू 30 और a इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 10। हो गया। अब यहां आइए, यहां पर देखिए ये है a, इसको अलग कर दिया मैंने, और ये देखिए a माइनस डी ए प्लस डी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 910। अब a की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां 10 लिख दीजिए, यहां कितना आ जाएगा 100 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 910। अब आप डिवाइड करिए इस 10 को, तो 100 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 91, ठीक है। तो डी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा इसमें से, देखिए डी स्क्वायर को यहां ले लिए, 91 को यहां लाइए तो आएगा 9। सो डी की वैल्यू मिलेगी प्लस या माइनस 3, स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 3। अब दोनों से आंसर सेम आएगा, ए पता है डी पता है, तो अगर हम ये लेंगे डी की वैल्यू प्लस 3, डी इज इक्वल टू 3, अगर डी 3 है तो 10 माइनस 3 मतलब ए माइनस डी हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7 और ए हो जाएगा आपका 10 और ए प्लस डी मतलब थर्ड टर्म 10 प्लस 3 मतलब 13, तो यह आया 7 10 13, दीज आर द डी नंबर। अगर डी को नेगेटिव लेते हैं, इफ डी इज नेगेटिव, इफ डी इज इक्वल टू माइनस 3, तो ए माइनस डी मतलब ए प्लस 3 मतलब 10 प्लस 3 दैट इज 13, लेकिन वही आ गया। फिर a इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा, और a प्लस डी का मतलब हो गया 10 माइनस 3, डी माइनस 3 है ना, आंसर कितना आया 7, वही तीन नंबर आया 7 10 3 13, 7 10 13 और 13 10 7, आंसर सेम आएगा चाहे d आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ओके। नाउ जरा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इसी के लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के, मतलब जिसमें हमको दो टर्म फाइंड आउट करने, दो टर्म दिए हुए हो और उस एपी को फाइंड आउट करना हो। क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी, आपको ए 20 फाइंड आउट करना है। एपी हूज थर्ड टर्म इज 7, ए 3 इज इक्वल टू 7 है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, मतलब ए 3 का 3 टाइम्स प्लस 2, सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म के 3 गुने से 2 ज्यादा है,
तीन, थर्ड टर्म से तीन गुने से दो ज्यादा है। अब देखिए फिर दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ए टी का मतलब होता है ए प्लस टू डी इज इक्वल टू सेवन मिला, और यहाँ देखिए ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री इंटू ए प्लस टू डी जो कि हम सेवन लिख सकते हैं प्लस टू। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस सिक्स डी लिखे रख दीजिए और यहां पर लिखिए थ्री इंटू सेवन प्लस टू तो कितना हो गया 21 प्लस टू 23 मतलब a प्लस सिक्स डी जो है वो है 23। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो मिनट दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए फटाफट इसको, जरा फटाफट सॉल्व कीजिए। हो गया हो गया हो गया, चलिए मैं करता हूं। ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 23 है और ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 7 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो गया, यहां बचा 4d, 3d में से 2d, 4d इज इक्वल टू 23 में से 6, 7 माइनस करेंगे तो आएगा 16, सो डी इज इक्वल टू हो गया 4। डी की वैल्यू 4 को आप कहीं भी रखें, जैसे सपोज यहां रख दिया तो हमको मिलेगा a प्लस टू इंटू फोर इज इक्वल टू सेवन, सो a प्लस एट इज इक्वल टू सेवन मतलब a इज इक्वल टू सेवन माइनस एट दैट इज 1, a इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपको इसका 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है, फटाफट जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये लीजिए जल्दी। लिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूं इसका 20th टर्म, और इसे जगह चाहिए। अब A20, आपको A20 निकालना है, A is equal to A plus 19 into D, A है माइनस 1 प्लस 19 इंटू 4, ठीक है, माइनस 1 प्लस 9 फोर 36, 3 76 माइनस 1 मतलब 75, इसका जो A20 आएगा वो आएगा 75, ठीक है ना, चेक कर लीजिए, मैंने इसे जल्दी कर लिया। अब nth टर्म फाइंड आउट करना, तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा nth टर्म फाइंड आउट करने में n जरूर रहेगा, क्या रहेगा, n जरूर रहेगा, तो n an फाइंड आउट करना, तो an इज इक्वल टू होता a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह लिखेंगे 4। आवाज करने वाली मोटरसाइकिल से जाते हैं लोग, तो ये हो गया आपका माइनस 1, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4n माइनस 4, अब ये माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 5, तो आंसर आ गया 4n माइनस 5। अब इसमें आप जो भी वैल्यू n की लिखेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सब आपका फाइंड आउट होता चला जाएगा, तो पूरी एपी आ जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अभी तो एक टाइप और बचा हुआ है जिसमें मुझे आपको क्वेश्चन, दो टाइप्स बचे हुए हैं, अरे यार चौक ना गिरे तो कैसे काम चले, चौक तो गिरती है, ठीक है। अब एक दो टाइप्स और डिस्कस कर, अब नया एक और टॉपिक है, टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज द टर्म ऑफ एन ऑफ गिवन एपी, किसी एपी में कोई टर्म, कोई एपी दी जाएगी और कोई टर्म दिया जाएगा, आपको चेक करना है कि वो टर्म उस एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, देखिए जैसे सपोज इज एक क्वेश्चन है, ये इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ द एपी 11 8, डिक्रीजिंग एपी है 5, 2 एंड सो ऑन, तो क्या इसमें इस एपी में माइनस 150 आएगा, तो आपको ना पॉजिटिव सोच के चलना है, हाँ आएगा, अगर n की वैल्यू, उसके बाद n फाइंड आउट करेंगे, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो वो एग्जिस्ट करेगा उस एपी में, और अगर n की वैल्यू n वो नेचुरल नंबर नहीं आएगी तो मतलब वो उस टर्म
वो टर्म एपी में नहीं होगा, वो मतलब माइनस 150। सो हम मान लेते हैं कि ए एन है, ये एन एन टर्म है माइनस 150, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। अब देखिए यहां पर ए कितना है 11, 11 प्लस एन माइनस 1 क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और डी कितना है माइनस 3, ये देखिए माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे उधर ले जा करके, तो ये हो गया माइनस 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11 जुड़ जाएगा, माइनस 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 161। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 161 अपॉन 3 डिवाइड नहीं होगा, मतलब n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब n इज इक्वल टू आएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, तो जोड़ देंगे इसको 164 अपॉन 3, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, देयरफोर माइनस 115 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ गिवन टर्म्स इन एपी, किसी एपी में कितने टर्म्स होंगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ गिवन एपी। अब इसका देखिए एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन फाइनाइट एपी, किसी एपी में कोई फाइनाइट एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो फाइंड आउट करना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का मतलब होता है एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, एक सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब थ्री डिजिट नंबर, अब आपको पता होना चाहिए एपी नहीं है यहां पर, यहां पे बोला गया थ्री डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, थ्री डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं 100 से, तो पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा 100, लेकिन वो 100 क्या 7 से डिविजिबल है नहीं, तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा थ्री डिजिट नंबर, दैट इज 105, 105। अब इसमें 7 ऐड करिए 112, फिर 7 ऐड कीजिए 119, अब लास्ट में लास्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है 999। ओके, तो 999 तो डिवाइड नहीं होता 7 से, तो क्या करेंगे हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा ना उसको 999 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे 7 वन 7 बचा 2, 9 7 4 28 बचा 1, 9 और 7 2 14 बचा कितना 5, इसका मतलब हम 5 से माइनस, इसमें से 5 माइनस कर दें लास्ट आ जाएगा, 5 माइनस कर दें इसमें, 5 माइनस कर दें कितना आएगा 994, सो लास्ट नंबर होगा 994। ओके, समझ में आ गया, नाउ यू हैव एपी, अब आपको काउंट करने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 नहीं होंगे, इसमें बीच में बहुत सारे नंबर है वो भी फाइंड आउट करना है ना, तो मान लेंगे कि ये इसका एन एन टर्म है, हमें एन फाइंड आउट करना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमको ये फाइंड आउट करना है, ये हम मान लेंगे 994 है और ए है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 ही होगा ना भैया, 7 7 जोड़ रहे हो। ओके,
अब सॉल्व करो, इसको पहले माइनस करो, 994-105=7(n-1). तो ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 5 माइनस नहीं करेंगे, यहां आ जाएगा, सो 885/7(n-1). अब आप डिवाइड कीजिए 7, 880. अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये ऐसे करना है, ऐसे डायरेक्टली कैंसिल एंसिल करके करने में गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए डायरेक्टली डिवाइड कर लो, बच्चे बन जाओ, बच्चे हो, बच्चे बन जाओ। तो 7 × 1 = 7, 1 = 8, 7 × 2 = 14, बचा कितना 4। अरे रे रे, गड़बड़ हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई है, सो 8। 994 में से 105 माइनस करेंगे 14, उस माले 9 आ गया ना, तो यहां पर 5 नहीं 9 आएगा, ओके सॉरी 9 आएगा, तो ये आएगा 49, तो ये आया 7, 7 × 7 = 49, तो 0 हो गया पूरा डिवाइस, तो ये हो गया n-1=127, therefore n=128। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में 128 नंबर्स हैं, ये 128 नंबर्स की सीरीज है, इनमें वो नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3-डिजिट नंबर्स, ठीक है। सो बच्चों आज तो ये पीरियड हो गया खत्म, ठीक है, अब बचे हैं सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।